लो जनाब मैं आपको दिखा दूं, भैया आ गए हैं, देखते हैं अभी क्या बना इनका। हाँ जी सुनाओ। दुआ करें अल्लाह ताला जो है इसको कामयाब करे। लो जी जाओ पुलिस रात पे, अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा लाइसेंस, टेंशन नहीं लो। तो जा रहे हैं जनाब, आपकी क्लासेस लगती हैं 22 घंटे, आप लोगों ने गाड़ी चलानी होती है, ठीक है? वो 22 घंटे मतलब आप लोगों को अटेंड करने पड़ते हैं। I wanna miss love to survive. Now when I look in your heart. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। ये भाई जो देख रहे हैं आप, इनको मिल रहा है लाइसेंस। आज इनकी फाइनल ट्राई है जनाब, जा रहे हैं हम स्कूल में, वहाँ पे ये फाइनल ट्राई देंगे। आपको पूरा स्कूल भी विजिट कराऊंगा कि यहाँ पे बहरीन में लाइसेंस कैसे मिलता है और कैसे ट्राई दी जाती है। प्लीज इसके लिए सब मिलकर दुआ करें यार कि अल्लाह ताला इसको जो है कामयाब करे, इसको लाइसेंस मिल जाए। फर्स्ट टाइम इसकी जो ट्राई थी उसमें ये रह गया था, अभी ये सेकंड ट्राई है। अगर अब भी रह गया तो फिर इसको 6 माह बाद चांस मिलना है, उससे पहले चांस नहीं मिलना है। खैर टाइम कम है, 10 बजे वहां पहुंचना, निकल रहे हैं यहाँ से जनाब। वहां पे जाकर होती है मुलाकात, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो निकल रहे हैं यहाँ से, ये सामने पुजारो रेडी खड़ी है, वो देखे इस पे बैठ के हम लोगों ने निकल जाना अभी। A few moments later. लो जी ये स्कूल में आ चुके हैं, भाई के जो है रोंगटे खड़े हो गए। दुआ करें अल्लाह ताला जो है इसको कामयाब करे। लो जी जाओ पुलिस रात पे, अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा लाइसेंस, टेंशन नहीं लो। तो जा रहे हैं जनाब स्कूल की तरफ, देखते हैं इनको लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सामने ये सारा स्कूल है, ये वाला ना देख सकते हैं आप लोग, ये सारा जनाब स्कूल का एरिया सामने। ये देखें ये गाड़ियाँ जहाँ पे चल रही हैं, ये पूरा यहाँ पे ये ड्राइविंग वो क्लासेस होती हैं सारी। ये मेरे पीछे आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे जितना भी एरिया ना यहाँ पे सारा टोटल जो है ना वो सिर्फ ड्राइविंग क्लासेस होती हैं। यहाँ पे मुअल्लम है, मतलब जिसने न्यू लाइसेंस लेना होता है वो यहाँ पे आता है। फर्स्ट जो है कच्चा लाइसेंस जिसको कहा जाता है वो मिलता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी क्लासेस लगती हैं 22 घंटे, आप लोगों ने गाड़ी चलानी होती है, ठीक है? वो 22 घंटे मतलब आप लोगों को अटेंड करने पड़ते हैं। वो टीचर होते हैं यहाँ पे। ये गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गाड़ी घूम रही होगी, ये मेरे पीछे देखें आप लोग, ये अभी गाड़ी इधर से गुजर रही है। ये देखें ये गाड़ियाँ क्या है, ये आपको टीचिंग देती हैं, यहाँ पर सिखाते हैं, यहाँ पर टीचर्स आपसे पैसे लेते हैं और ये आपको मतलब के ड्राइव करना सिखाते हैं। बहरीन के कानून क्या है, बहरीन में ड्राइव कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये सिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, मतलब ये 22 घंटे पूरे होने के बाद टीचर सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है, वो आपको एक बुक साइन करके दे देता है। फिर उसके बाद आपकी फाइनल अपॉइंटमेंट होती है। ये सामने वो जो नज़र आ रही है बिल्डिंग आपको, यहाँ पर ये फाइनल अपॉइंटमेंट की होती है, बुक मिलती है आपको, ठीक है? बुक आप वहाँ जमा करवा देते हैं। जमा करवाने के बाद आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, मेरे ख्याल से कोई 20 दिनार या 23 दिनार फीस होती है, वो पे करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है जनाब, आपको टाइम दिया जाता है कि फलां दिन आपकी फ़ाइनल ट्राई है। जिस तरह आज मेरे साथ जो लड़का है इसकी फ़ाइनल ट्राई थी, वो फाइनल ट्राई देने के बाद जनाब अगर आप पास हो गए हैं तो फिर तो आपकी किस्मत समझ लगे खुल गई है बहरीन के अंदर। अगर आप पास नहीं हुए हैं तो फिर वो एक चांस और मिलता है। दूसरे चांस भी अगर आप लोग पास नहीं होते हैं तो फिर आपको 6 माह के लिए कह दिया जाता है कि अब आप ट्राई नहीं दे सकते, 6 माह बाद ही जो है वो आप लोग ट्राई दे सकते हैं। तो खैर अभी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वेट कर रहा हूँ मैं तो, वो अंदर गए हैं क्योंकि अंदर जा नहीं सकते ना, अंदर कैमरा लाओ। यहाँ पे बहरीन के अंदर बड़ा मुश्किल है कैमरा यूज़ करना, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ों को जो है अवॉइड किया जाता है। कैमरा पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई लेडीज़ अंदर आई थी, कोई और चीज़, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ पर बहरीन के अंदर ये चीज़ करना। तो फिर भी मैं आप सबके लिए व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले यहाँ पे जनाब क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है सारा। तो ज़रूर मतलब जब बहरीन में आएँ, जब भी लाइसेंस अप्लाई करना है तो पूरे बहरीन में यही मतलब स्कूल है जहाँ से आप लोग लाइसेंस अप्लाई करते हैं और आपको लाइसेंस मिलता है। खैर अभी वेट कर रहे हैं जनाब भाई का, अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है उसको लाइसेंस मिल जाए। तो लाइसेंस मिलेगा तो उसके बाद उससे मिठाई भी खानी है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसको दुआएँ देंगे, अल्लाह ताला खैर से सलामती जो है उसको ले आए वापस। थोड़ा सा वो बंदा जो है ना डरता है, ये ड्राइविंग लाइसेंस में क्या है कि जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा आपको डराते ज़रूर हैं, चेक करते हैं प्रेशराइज करके। तो आप कभी भी प्रेशराइज नहीं होना, ड्राइव अपने जो आप जिस तरह आप करते हैं उसी तरह करनी है। ये देखें ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं जितनी भी, मतलब ये सारा ये जो ट्रैक है यहाँ पर आम पब्लिक जो है ना इस ट्रैक पर नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है, ये सिर्फ टीचरों के लिए ये पब्लिक है, ये प्लेस है सारी, यहाँ पे सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं इस रोड के ऊपर। ये जंगला जो लगा हुआ है ना, इस जंगले से उधर नहीं आप जा सकते, सिर्फ टीचर जा सकते हैं या स्टूडेंट जो गाड़ी चला रहा है। खैर जनाब वेट कर रहे हैं भाई का, तो आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है। ट्राई है उनकी 10:30 बजे, 10 बजे एंट्री से अंदर चले गए तो 10:30 उनकी फाइनल ट्राई होगी, उसके बाद फिर आपको बताएंगे उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है। और लाइसेंस मिलने के बाद इंसान के क्या तासरात होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। लो जनाब मैं आपको दिखा दूं, भैया आ गए हैं, देखते हैं अभी क्या बना इनका। हाँ जी सुनाओ।
मिल गया मिल गया, क्या बात है मिल भाई। गया यार जनाब भाई को सांस मिल गया, मुबारक हो जनाब, बड़ी बड़ी भाई। क्या तासुर थे जब ट्राई दे रहे थे? जब ट्राई देना सब थोड़ा नर्वस हो गया, बाद में फिर अच्छा आदमी था अभी, बहुत सारे बोला इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं। आपसे क्या कहा था कि बंदा एक दफा जो है ना नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये पहली दफा ऐसे परेशान हुआ है। अभी मिल गया लाइसेंस? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। क्या खिला रहे हो अभी आपको? गुड़ गुड़ नहीं, इसकी ये वाला गुड़ है, मेवा डाला पाकिस्तान से आया स्पेशल। वो इतने दिनों से इसने नहीं खिलाया, मुझे 3 दिन हो गए इधर आए हुए, इसने नहीं खिलाया, आज लाइसेंस अभी पास हुआ हूं, अभी बनता है। हां अभी लाजमी बनता है जनाब, ये लाइसेंस भाई को मिल गया भाई। ये देखिए ये मेरे पास है, ये इनकी कॉपी थी जो वो कच्चा लाइसेंस था, ये इनको मिल गया फाइनली जनाब। मुबारक हो जनाब, फिर दोबारा गले मिल लो एक दफ़ा। तो आप सबको भी बता दूं कि जब भी आपने आना है ईजी हो के, कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब कन्फ्यूज़ होते हैं वो आपको डरा देते हैं। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये जो नक्शा है ना सारा, ये जो नज़र आ रहा है ये पूरे बहरीन का नक्शा है। बहरीन में जितनी ट्रैफिक है ना, जितनी चीज़ें हैं, जितने इशारे हैं, जितने राउंड अबाउट्स हैं, जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, वो सारे सब का नक्शा पूरे बहरीन का इसके अंदर है। पूरी ड्राइव आपको सिखाई देती है, पहले तकरीबन 20-22 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके आपकी ट्राई होती है। इसी तरह इसकी भी ऐसे ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद जाके ट्राई हुई, फेल हो गया, अभी दोबारा फिर सेकेंड ट्राई पर इसको लाइसेंस मिला है। खैर जनाब आज का व्लॉग हमारा यहाँ तक था, बच्चा जो है खुशी से पागल हो रहा है। खैर आप सब, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और एक बात और, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अब दें इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।